नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के लिए बात करें, जीव विज्ञान का 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। और बात करें 140 में आपका आज के इस वीडियो का कट ऑफ जो रखा है मैंने 125 रखा। जो भी स्टूडेंट 125 प्लस क्वेश्चन कर जाएगा वो उसकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन होंगे 140 ये हार्ड लेवल के होंगे, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी आपकी गारंटी है यहीं से प्रश्न आने वाले, इससे बाहर नहीं आएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना अगर जो आप रेलवे एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो, वीडियो को शुरू से अंत देखना, साथ में लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो खत्म होते हुए आपने कितने क्वेश्चंस किए ये बात मुझे कमेंट करके सही सही बताइएगा, ठीक है। अपने आप को धोखा मत देना, सही करके बताना, उसी हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है, ठीक है। 140 प्रश्न है। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के 80 क्वेश्चन को किया था, अगर जो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। साथ में हमारे साथ आप मैथमेटिक्स की बात करें, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस की पीडीएफ अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाके ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीव विज्ञान के टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें 140 यानी कि 140 प्रश्न है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। हमने हिस्ट्री भी किया, ज्योग्राफी भी किया, पॉलिटी भी किया, अभी साइंस की पारी है। साइंस में फिजिक्स कर चुके हैं अलग अलग और अभी हम बायोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया था वो राइट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। जीवन का भौतिक आधार है, क्वेश्चन नंबर दो है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है आपको बताने हैं। और कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है जीवन का भौतिक आधार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी या सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, यही राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस जिसे बोलते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करता है। कौन सी रचना पादप कोशिका से को जंतु कोशिका से विभेदित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, कोशिका भित्ति भी, पड़हरित भी, सेंट्रियोसोल भी, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अभी आपको पता लग रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आए हुए हैं प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में। तो लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, कोशिकांग की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। डीएनए की द्विगुणित पटलीय पद्धति की बात करें या डबल हेलिक्स मॉडल को किसने पता लगाया था, किसने प्रस्तुत किया, फिर कितने किसने पता लगाया था, तो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें तो इसका पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक, दोनों नाम याद रखना है, दोनों आपको याद होने चाहिए। द्विगुणित कुंडली बोलते हैं या फिर डबल हेलिक्स मॉडल, ये दोनों को याद रखिएगा, इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप पढ़ो दोनों, ठीक। आगे चलते हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य अगर जो पूछ लेता है डीएनए का फुल फॉर्म तो आप क्या बताओगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आरएनए पाया जाता, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता, तो आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कोशिका द्रव में पाया जाता है आरएनए। आनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर होगा मेंडल को आनुवांशिक का पिता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गया टोटल।
आगे चले। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या होती है 46। कभी कभी आता है 23 जोड़ी, तो 23 जोड़ी होती है, टोटल बात करें 46 होती है। देखिए हमारे साथ आप हमारे पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ की बात करें, अभी करंट में मैथ की पीडीएफ अवेलेबल है, बेस्ट है ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम के लिए। साथ में जीके, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है, उसको भी ले सकते हो। साइंस की भी पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मिनिमम कॉस्ट पे आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या हो गया। निम्न में से मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो अनुवांशिक रोग की बात करें, वर्णांता भी अनुवांशिक रोग है, हीमोफोलिया भी अनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों अनुवांशिक रोग है जो मनुष्यों में होते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा होगा जब, इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, तो जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे, जो एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो लड़का पैदा होगा। आगे चलते हैं हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में किस चीज़ की कमी होती या फिर क्या नहीं होता? तो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्तियों में रक्त का बहना जो होता है वो बंद नहीं होता। मान लीजिए आपका कहीं पे शरीर थोड़ा सा कट गया तो रक्त एक टाइम पे आता, थोड़ी 1-2 मिनट में बंद हो जाता या फिर जम जाता, तो ये नहीं होता, तो उसको क्या होता है, हीमोफीलिया रोग। आगे चलते हैं जीन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह DNA की एक क्रियात्मक इकाई है, यह सत्य है। यह अनुवांशिकता की इकाई है, यह भी सत्य है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित है, यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जीन के बारे में ये कथन सारे सही हैं। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने दिया किया? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनुवंशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? आनुवंशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर का चुनाव किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? जो जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो वर्णांधता है ये आनुवांशिक रोग है, और जिसको भी वर्णांधता होता है वो किस एक रंग की पहचान नहीं कर पाता, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल एवं हरा। लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता जिसको भी वर्णांधता का रोग होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट बात करें, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन की बात करें, त्वचा, क्लोमो, फेफड़ो, तीनों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आपको पता होना चाहिए मेढक जमीन के अंदर कई कई दिनों तक रह जाते हैं, लेकिन वो सांस कैसे लेते हैं? त्वचा के द्वारा लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा भी लेते हैं, क्लोमो के द्वारा भी लेते हैं, मिट्टी में जब रहते हैं त्वचा के द्वारा ही लेते हैं। नेक्स्ट बात करें 23 नंबर, निम्न में से वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। आगे चलते हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है? क्वेश्चन नंबर 24, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेढक। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों का होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठों का होता है। नेक्स्ट बात करें, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। आगे चलते हैं, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो गिल से सांस लेती हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी यहाँ पक्षी हो जाएगा हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, कशेरुकू जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है,
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा इनेमल। दांतों में होता है, यहाँ पे दांतों के ऊपरी परत को इनेमल बोलते हैं, सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। आगे चलते हैं, व्हेल के श्वसन किस अंग में होता है, व्हेल जो मछली होती है उसका श्वसन किस अंग से होता है। तो व्हेल मछली की बात करें इसका श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, किसी भी मछली की बात करें फेफड़ों द्वारा ही श्वसन की क्रिया करती है। आगे चलते हैं, आधुनिक मानव को किस जंतु वर्ग में रखा गया है, आधुनिक मानव को किस जंतु वर्ग में रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहते हैं, ऊतकों को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, तो इसका हो जाएगा हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अंदर अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक। आगे चलते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला, ठीक है, उपकला प्रकार के कोशिकाओं में सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा निच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है, शरीर में सभी प्रकार की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है, कौन सा है, तंत्रिका। नेक्स्ट बात करें, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त यानी कि ब्लड की बात हो रही है, किस प्रकार का ऊतक है, तो ये संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट बात करें, आरेखित पेशियां ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, आरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो आरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं अमाशय में। नेक्स्ट, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण है, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो ये सभी हो जाएगा, लिम्फ भी हो जाएगा, हड्डियां और प्रोटीन, ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण है। आगे चलते हैं, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो 40 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। कटाप आज की वीडियो का 125 है, जो लोग भी 125 करेंगे कमेंट करके बताएंगे, आप जितना भी करोगे वो कमेंट करके बताना, और उसी हिसाब से आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी है। आगे चलते हैं, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंत्रिका। नेक्स्ट चलते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में कि लसिका में, आपको बताना है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंडी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। नेक्स्ट, भोजन में उपस्थित शर्करा का को माल्टेज में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, तो ध्यान रखिएगा टाइलिन एंजाइम जो हमारे मनुष्य के लार में पाया जाता है वो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। आगे चलते हैं, भोजन के अवशोषण शरीर के किस भाग अंग में, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, तो भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायबिटीज, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में कौन से पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, आपको कहा जाता है केला खाओ, केला में क्या ऐसा होता है कि तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करें, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो बात करें फेफड़ों में होता है। नेक्स्ट बात करें, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि निम्न स्थित होती है,
मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो कहाँ पे स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, 53 क्वेश्चन कर चुके हैं, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं आता तो लिख जरूर लीजिएगा कॉपी पर लेके, या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इससे आपको रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आँख के किस भाग के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, RBC का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का या लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं, कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो कशेरुक दंड की बात करें इसमें हड्डियों की संख्या होती है 33। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फीमर या जांघ की हड्डी बोलते हैं इसे। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो रक्त कहाँ शुद्ध होता है? वृक्क में शुद्ध होता है। आगे चलते हैं, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? नॉर्मल की बात करें तो 72 यानी कि 72 बार होता है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर यानी कि किसी को भी, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ और यानी कि स्वयं को भी दे ही सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। सर्वग्राह की बात करें यानी कि यूनिवर्सल अडॉप्टर की बात करें, तो ए बी जो होता है यूनिवर्सल अडॉप्टर होता है, यानी कि किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ओ यूनिवर्सल अडॉप्टर, ए बी। इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं कुछ भी पूछने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम, आपको रासायनिक नाम सबका याद रखना है। ठीक है, रासायनिक नाम साथ में कौन सा रोग होता है, ठीक, विटामिन स्रोत भी याद रख लीजिएगा, विटामिन डी के स्रोत कौन से हैं, विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सी का बात करें तो खट्टी चीज़ें नींबू हो जाता है, विटामिन ए का गाजर हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी की बात करें रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। आगे चले, इसमें देखो यहाँ पे आपको सब याद हो जाने वाला है, सुमेलित करना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये तो सही है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, सही है। विटामिन बी का थायमिन, सही है। अब आइए बात करें विटामिन डी का, आपका टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल, हाँ टोकोफेरॉल होता है। अभी आपने कुछ महसूस किया? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर जो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ तो आप भी कन्फ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, विटामिन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक लाइन याद रखो, रथ है क्यों बता रहा हूँ, रिटिनॉल थायमिन, रिटिनॉल थायम बी सी थायमिन, रथ बी सी से स्कॉर्पियो, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ये लाइन याद रखना, याद रखोगे ये लाइन याद रखना, यह क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से विटामिन के नाम याद रखने हैं, ए बी सी डी और ए बी सी डी ई और के, यहाँ पे देखो अब याद हो जाएंगे, ए बी सी डी ई के। ए से हो गया विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल यानी कि रस रेटिनॉल। बी का हो गया विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का हो गया कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन के का हो गया फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, ये आप याद रखोगे, रथ एक टॉफी, आसानी से आप विटामिन के नाम याद रखोगे। तो टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का है, के का नहीं है। के का क्या हो गया? विटामिन के का फिलोक्विनोन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, रथ एक टॉफी लाइन याद रखना, ट्रिक मैंने आपको बता दिया। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ग्वाइटर, आप अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखो, तो ग्वाइटर होता है, ध्यान रखना। आगे चले, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो अभी मैंने बताया रथ एक टॉफी, लिख लो खट दे, नहीं पता चल रहा है। विटामिन ए की कमी से, ये तो सॉरी यहाँ पे रासायनिक नाम में लिख रहा हूँ, ये कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मैंने बोला बेरी बेरी होता है,
सॉरी, विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी बेरी होता है, और सी से स्कर्वी होता है, डी से नहीं ई से नपुंसकता होता है, ई से नपुंसकता होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका भी आप यहाँ पे ऐसे याद रखना। ठीक है, आप लो मान लो एक ग्लास लेते हो, ग्लास में आपने क्या डाला, कीड़ा डाला, एक कीड़ा ग्लास में पानी है, सॉरी ग्लास में पानी भी है, आपने ग्लास में एक कीड़ा डाला, क्या डाला, कीड़ा, ये वाला कीड़ा, KEDA। आप ग्लास में कीड़े को डालते हो तो कीड़ा, ये चीज़ बताओ, कीड़ा घुल जाएगा, कीड़ा घुल जाएगा क्या? ग्लास में कीड़ा डालोगे और घिला दोगे, कीड़ा घुलेगा नहीं, कीड़ा वापस ऊपर आ जाएगा, कीड़ा घुलता नहीं है, वापस में ऊपर आ जाता। तो क्या पता चला आपको, KEDA जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि कीड़ा जल में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। तो बचा कौन कौन सा, बी और सी। बी सी आपका क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कंफ्यूजन होता है। एक मेरी बात बताऊँ, मुझे उत्तल अवतल लेंस में बहुत कंफ्यूजन रहता था, बहुत कंफ्यूजन, कौन सा लेंस होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं, अभी तक कंफ्यूजन होता है। और ट्रिक आप यहाँ पे तब यूज करो जब आपको लगे कंफ्यूजन है, तो ट्रिक वहाँ पे काम कर जाता है। अब देखो, आपको ये कीड़ा वाला मैंने बताया, कभी नहीं भूलेगा आपको, रथ एक टॉफी कभी नहीं भूलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, जल में घुलनशील कौन कौन सी हैं, बी सी, यानी कि आप देखोगे बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा छटका, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन समथिंग होता है, ये ध्यान रखना का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, और WBC का पूछेगा, WBC का 4 से 5 दिन होता है इसका जीवन काल। ठीक है, इसका आगे चलते हैं, छोड़ो। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 68, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट चलिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट बात करें, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है लोहा। नेक्स्ट बात करें, किडनी का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? अभी देखो, मैं डिस्कशन करूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ये अच्छा नहीं लगता। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। और मैं यही कुछ सोचा था कि वीडियो 30 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, और कोशिश करूंगा। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन और सॉरी कैल्शियम फास्फोरस, दोनों हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिज, ये मध्य कण में होती है, कान में होती है, और इसे कण की हड्डी भी बोलते हैं, स्टेपिज। बात करें तो यही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया विटामिन डी, तो यहाँ पे बात करें विटामिन डी आपकी सूर्य की रोशनी से बनता है, कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। नेक्स्ट बात करें, वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में दांतों की संख्या होती है 32। वायरस से फैलने वाले रोग कौन से हैं? वायरस से फैलने वाले रोग इसमें से सभी है, एड्स, चेचक, खसरा, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, और प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है? तो मादा एनफिलीज, अभी मैंने बताया, तो मादा एनफिलीज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से वैसे बहुत सारे रोग होते हैं, पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन हैजा बात करें मेन है इनमें से। आगे चलिए, नेक्स्ट बात करें, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? किडनी या गुर्दे का इलाज के लिए डायलिसिस रोग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षा हेतु लगाया जाता है?
प्रतिरक्षा हेतु लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीबी। नेक्स्ट बात करें, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को चुनना है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो बात करें, टीबी आपका जीवाणुओं द्वारा होता है, ये एक आंसर ये हो जाएगा। एक तो कुष्ठ भी होता है, और एक बात करें सिफिलिस, ये तीनों रोग जीवाणु होते हैं। देखो 2, 3 और 5 ऑप्शन देखो सी, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। मच्छर द्वारा मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, पीत ज्वर, ये तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी द्वारा कौन सा रोग होता है, सॉरी घरेलू मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, घरेलू मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, प्लेग भी होता है। ठीक है, सही है, यहाँ पे ये तीनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है। प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है, मक्खी द्वारा भी होता है ध्यान रखिएगा, लेकिन सहायक है फैलाने में, तो चूहा ध्यान रखिएगा। चूहा, आप इसको आप यूट्यूब करेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें, वनस्पति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, दो बार बोला, तीन बार बोला, इसका मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट था। विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु की खोज की थी इवानोस्की ने। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस बोलते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनियो वॉन लियोनहॉक ने। नेक्स्ट बात करिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट बात करें, पाश्चराइजेशन के बारे में से कौन सा कथन सत्य है, पाश्चराइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पाश्चराइजेशन बात करें तो यहाँ पे लुई पाश्चर ने इस विधि का ईजाद किया था, सही है। इस विधि से दूध को कई दिनों तक रखा जाता सुरक्षित, सही है। दूध को रखने के लिए इसमें 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 मिनट तक यहाँ पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक। टीबी के टीके की खोज किसने की थी, टीबी के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में कौन सा पौधा कवक एवं शैवालों का परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे लाइकेन याद रखिएगा, कवक और शैवालों पर परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। निम्न में किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट बात करें, सुमेलित करना है, इसमें कौन सा किसका भाग है, ठीक। आइए सुमेलित करते हैं इसमें। तो यहाँ पे पहला की बात करें प्रकंद या राइजोम की बात करें तो ये हल्दी होता है, प्रकंद। नेक्स्ट बात करें, अस्तंभ कंद की बात करें तो ये आलू होता है, ट्यूबर। यहाँ पे देखेंगे आपका सलकंद की बात करें तो यहाँ पे आपका ये प्याज होता है, क्या होता है, प्याज होता है। घन कंद की बात करें जिमी कंद होता है। तो यहाँ पे कैसे मिला दोगे, आपका यहाँ पे पहले ए का हो गया आपका हल्दी हो गया, बी का हो गया आलू हो गया, सी का हो गया एक हो गया, डी का हो गया चार। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए का 3-4 और सी डी का 1-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-4, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है, तो नागफनी जो है शुष्कोद्भिद पौधा वाला लक्षण है। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के लैमिना या फिर पड़दल भाग पर होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट, सॉरी यहाँ पे पड़ाधार यानी कि लिव फेस इस पे हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। और शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा नागफनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ध्यान रखिएगा इसका कटाव जो है 125 मैंने बनाया, 140 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं आपको। पौधों में वाष्पोत सर्जन क्रिया में सहायक है, पौधों में वाष्पोत सर्जन क्रिया में सहायक है, तो ये ऑप्शन नंबर भी रंध्र हो जाएगा।
पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, पौधों की आयु का पता किससे लगाया जा सकता है, तो पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर। अगर जो हम पेड़ को काटते हैं तो इस प्रकार से वलय पाई जाती है कुछ, ठीक है, तो ये वलय को गिनके हम क्या लगाते हैं, आयु का पता लगाते हैं। कार्क प्राप्त होता है, कार्क किससे प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 103, कार्क प्राप्त होता है सुबेरिन से। नेक्स्ट, पुष्प का नर जननांग है, पुष्प का नर जननांग कौन सा पार्ट होता है, तो अब बात करें पुमंग। नेक्स्ट चलिए, पुष्प का मादा जननांग है, पुष्प का मादा जननांग होता है जयांग। नेक्स्ट बात करें, अनिषेक फलन, ठीक है, का उदाहरण है, अनिषेक फलन का उदाहरण है, अनिषेक फलन का उदाहरण कौन सा है, तो केला, पपीता, अंगूर, ये सभी हैं। वनस्पति विज्ञान के सारे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये वाले। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम क्या करता है, यहाँ पे भोजन को पहुँचाता है, जाइलम खनिज लवणों और जल को पहुँचाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्लोएम भोजन को पहुँचाता है, और जाइलम का क्या आकार होता है, जल एवं खनिज लवणों को संवहन करना तथा पौधों में आंतरिक दृढ़ता, ये दोनों है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्षों में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक होते हैं, तो वृद्धि ऊतक कौन से होते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पे जो जाइलम है वो भी होता है, लेकिन मेन होता है शीर्षस्थ, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 109 का। नेक्स्ट चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है हरे पौधों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन से हैं, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन से हैं, तो यहाँ पे पत्ती ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की हमें पता है, मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाए 112 का। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, तो ये होती है लाल रंग के रंग में। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम कौन सा है, ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश से रासायनिक क्रिया होती में यह होता है, ठीक है। आगे चलें, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो लोहा, मैग्नीशियम। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करने की। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है, जिस रीजन से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन 117, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें, पौधों में ग्लाइकोसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट, फलों में प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है, अभी हम आपको पता होना चाहिए फलों को आर्टिफिशियल रूप से कैसे पकाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थ लगा लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हम यहाँ पे एथिलीन जो हार्मोन्स होता है वो सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में वृद्धिरोधक हार्मोन्स कौन सा है, वृद्धिरोधक हार्मोन्स की बात करें तो एबीसिलिक एसिड और इथिलीन दोनों यहाँ पे वृद्धिरोधक हार्मोन्स है। नेक्स्ट बात करें, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य है, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, तो इसका क्या कार्य होता है, यहाँ पे शीर्ष प्रमुखता, पत्तियों में विघलन को रोकना और अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, ये चारों होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मोजैक रोग किस पौधों में होता है, मोजैक रोग किस पौधे में होता है, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू में होता है मोजैक रोग। नेक्स्ट बात करें, साइट्रस क्रैकर रोग किस पौधों में होता है, साइट्रस ये जो रोग वाली चीजें हैं ना पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइट्रस क्रैकर रोग किस पौधों में होता है, तो ये होता है नींबू में। नेक्स्ट, बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन्स कौन सा है, बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन्स कौन सा है, तो एबीसिलिक एसिड होता है। पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा पदार्थ कंपानुकंची गति को दर्शाता है, कौन सा पदार्थ कंपानुकंची गति को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छुईमुई। नेक्स्ट बात करें, बंकी टॉप रोग किस पौधों में होता है, बंकी टॉप रोग किस पौधों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केला में होता है। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है, खैरा रोग की बात करें तो ये जिंक की कमी से होता है।
नेक्स्ट बात करें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किया था टेंसले ने। अब मैं सोच रहा हूँ एक साइंस का वीडियो बनाऊँ, साइंस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसके लिए तो आप लोग बताइएगा जरूर, और इम्पोर्टेंट PDF आप ले जरूर लीजिएगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है, तो पर्वतीय भागों में बात करें तो कंटूर खेती होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 131 भूमि के संरक्षण में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, भूमि के संरक्षण में निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि वनीकरण, कंटूर खेती और पट्टीदार खेती। नेक्स्ट बात करें निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें गाय बकरी चूहा, ये सारे तीनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट तृतीय उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो तृतीय उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। आगे चलें पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती, कौन सी गैस, तो CNG। आगे चलते हैं निम्न में किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की बात है, यहाँ पे भारत में 5 जून को मनाया जाता है और यही विश्व पर्यावरण दिवस हो 5 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, भूस्खलन भी है, अतिचारण भी है, वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, भूस्खलन और अतिचारण, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मेन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे देखिए SO2 प्लस NO2 ये होता है। नेक्स्ट बात करें ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, तो ECG का प्रयोग हृदय की कमजोरी के रोग के इलाज के लिए किया जाता है, हृदय परिवर्तन के लिए यहाँ पे डायलिसिस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुर्दा प्रत्यारोपण में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है, हृदय ECG का प्रयोग किस में, हृदय की कमजोरी में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, हीपेरिन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 140 क्वेश्चन देखो हो चुके हैं और आशा है आपको सारे अच्छे लगे होंगे, और जो लोग भी 125 किए होंगे, बहुत सारे लोग किए भी होंगे जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। चलो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।